जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ दोस्तों, और जो मैं बताने वाला उससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं भाई। देख लो यहाँ पे, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, संरेख, समदूरस्थ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाजन सूत्र और चतुर्थांश, इससे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा ही नहीं जाता है। और ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है ना इसी वीडियो में मैं क्लियर करके दूंगा। जी हाँ, यकीन करो भाई अपने भाई पर, सारा का सारा कंसेप्ट 100% आपको समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं, इससे बाहर नहीं है ज़्यादा इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो ये सारा का सारा इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ बेसिक से। बेसिक हमारे पास नीचे ये चतुर्थांश, सबसे पहले चतुर्थांश समझेंगे और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो भाई, जैसे कि हम यहाँ पर एक बनाते हैं रेखा, यहाँ पर देखो रेखा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। इस तरीके से प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटना है, ठीक है, मैंने लिखा। और यहाँ पे होता है बीचों बीच मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मूल बिंदु जो देख रहे हैं ये जीरो, ठीक है, जीरो कमा जीरो। इस साइड होता है एक्स अक्ष, इस साइड होता है एक्स एक्सिस, ऊपर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है वाई एक्सिस। और मैं आपको बता दूं, इस साइड जो भी संख्या होगा ना वो सब प्लस का होगा, जैसे कि प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन। इस साइड माइनस का होगा, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन। और ऊपर क्या होगा, प्लस का एक, प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार। नीचे क्या होगा, माइनस का, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन। जितना बड़ा लिख सकते हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो होता है सब प्लस और ये होता है ऊपर भी प्लस, तो प्रथम ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, यानी प्रथम पाद। ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है भैया तृतीय पाद, और ये होता है चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत नहीं, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और मैं आपको बता दूं कि प्रथम पाद में जो होता है प्लस प्लस, यानी चिन्ह जो होता है प्लस प्लस का, द्वितीय पाद में होता है माइनस कॉमा प्लस, यानी माइनस प्लस का होता है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि जो भी चिन्ह होता है पहले एक्स वाला लिखा जाता है, बाद में वाई वाला लिखा जाता है, ठीक है। इस पाद में जो होता है ना भैया वो होता है माइनस कॉमा माइनस, यानी माइनस माइनस होता है, याद रखना। और इस साइड जो होता है वो होता है प्लस और माइनस, ठीक है, याद रखना। तो ये चिन्ह से क्या मतलब है, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इससे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि भैया बताइए था माइनस के दो और कॉमा तीन किस पाद में है, माइनस के दो कॉमा तीन किस पाद में है। कुछ नहीं है भारी, आप देखिए ना, बहुत आसान है, सिंपल। हमें संख्या से मतलब नहीं रहता जब किस पाद में पूछे या किस चतुर्थांश में पूछे, तो संख्या से भैया कभी मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो, हमें संख्या से मतलब, हमें चिन्ह से मतलब, ये माइनस आगे और ये बाद में, ये आगे क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। तो माइनस प्लस, माइनस प्लस देखो भैया किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस आप कहोगे द्वितीय चतुर्थांश में। तो डायरेक्ट बोला आंसर में कि माइनस दो और प्लस के तीन, ये जो होगा द्वितीय पाद में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आंसर हो गया। मान लेते कि आपको दे दिया कि भैया चार कॉमा माइनस पाँच किस पाद में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें संख्या से मतलब ही नहीं है, इसको भूत प्रेत समझो संख्या को, ये गायब है, हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब, ये माइनस और आगे क्या छिपा रहता है प्लस, तो प्लस और माइनस, तो पहले प्लस माइनस किस में है, देख लीजिए प्लस माइनस, या देखिए प्लस माइनस यहाँ पे भैया डायरेक्ट बोलना चतुर्थ पाद में है, ठीक है, समझ गए ना। तो चतुर्थांश अगर आपको है तो इस तरीके से टेबल बना लेना अपना और समझ जाना, बहुत बारीकी से आप समझ गए होंगे चतुर्थांश क्या होता है, किस पाद में है, तो इससे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पहला जो होता है वो एक्स होता है और दूसरा होता है वाई, ठीक है। कभी भी जब बिंदु दिया जाए, ठीक है, जैसे कि दो बिंदु, तीन बिंदु, जितना भी दिया जाए, तो एक बिंदु जैसे चार कॉमा पाँच, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला होगा वो एक्स होगा, एक्स अक्ष, और दूसरा होगा वाई, यानी पहला एक्स और दूसरा वाई। तो हमें यह समझना है कि एक्स को हम क्या कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं। देखो भाई, एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कोटि। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि ऐसे कि भैया बताओ तो छ कॉमा वाई, छ कॉमा सात में भुज कौन है, क्या बोलेगा भुज कौन है। तो सिंपल सी बात, आप ध्यान रखना कि एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है। तो पहला एक्स
हमेशा पहला वाला x होगा और दूसरा वाला y। तो कह रहा है भुज का मान बताओ, भुज मतलब हमें x वाला ढूंढना है, तो x कौन है, 6 है ना, तो ये हो गया भुज। अगर कहे कि भैया आप बताइए तो कोटि का मान कितना होगा 6.7 में, तो सिंपल y वाला पूछ रहा है वो, तो y वाला ये है 7 है ना y, तो y अक्ष को ही तो कोटि कहते हैं भैया, कोटि का आंसर 7 हो जाएगा और भुज इसमें 6 हो जाएगा, समझ गए ना, पहला भुज और दूसरा का कहाँ होता है, तो कोटि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए x यानी भुज और कोटि समझ गए, चतुर्थांश समझ गए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ चतुर्थांश आप समझ गए, अब हम लेते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र को हम समझते हैं, अगर आपको कहे कि भैया दो बिंदु दिया गया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जैसे कि पहला बिंदु 2.3 है और दूसरा बिंदु 4.1 है। बिंदु का मतलब ये नहीं समझ लेना कि भाई बिंदु नाम की कोई लड़की आ गई है, वैसे भी जब ये चैप्टर हम पढ़ते थे ना तो बहुत मजा आता था, काहे कि मेरी क्लास में ना बिंदु नाम की लड़की थी, खूब एंजॉय करते थे उसके साथ। देखो 2.3 है, 4.1 है, ये हमारे पास दो बिंदु है ना, तो यहाँ पे चलो मान लो कि ये पहला बिंदु 2.3 है और दूसरा बिंदु 4.1 है, ठीक है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो इन दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी है भैया वो हमें ज्ञात करना है, कै किलोमीटर है पता नहीं, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, सिंपल है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और रूट अंडर, ये होता है भैया दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र। कई भाई लोग कहेंगे सर जी गलत लिख दिए, क्योंकि उसको पूरा पता नहीं होगा इसलिए कहेगा गलत लिख दिए। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, आप इसे x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम पुट करते हैं, पहला जो होता है x1, दूसरा y1, ये x2 और ये y2, मतलब ये हो गया x1 और ये 3 जो हो गया y1, ठीक है, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, यानी x2 हो गया 4, y2 हो गया 1। अब पुट करो भैया x2 कितना है 4, चलो 4 लिखते हैं, माइनस x1 कितना है, अरे x1 देखो 2 है तो 2 लिखो, इसका होल स्क्वायर करो, प्लस y2 कितना 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, तो 3 लिखो, इसका होल स्क्वायर करो, रूट अंडर डालो भैया। अब हाँ, अब ये तो हमारे पास आ गया, चलो अब क्या करेंगे, 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस अरे 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 गुणे माइनस 2, तो प्लस के 4, रूट रख दो, 4 और 4 कितना होगा भाई बताओ, तो यहाँ से देख लेते 4 और 4 जो इधर बराबर रख करके 8 होगा रूट अंडर। अब 8 का वर्गमूल कैसे, तो 8 का फैक्टर करेंगे, देखिए 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 4, 2 से लगाएंगे तो 2, रूट कहता है हमेशा कि 2 को जोड़ा में से एक को बाहर करना है, ठीक है, तो रूट में हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8 को इस रूप में लिख दिए, और रूट कहता जोड़ा में से एक को बाहर तो 2 को, यानी जोड़ा लग गया तो एक को बाहर, आई बेचारा अकेला बच गया बंटू लाल है ना, तो ये अंदरे रह जाएगा, ठीक है, तो 2 रूट अंडर 2 आंसर आ गया भैया, दूरी सूत्र से हमें ये ज्ञात करना। तो इसी प्रकार के अगर दो बिंदु दिए रहे और कहे कि भैया दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे, पहला टाइप हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो प्रिय छात्र, आपने दूरी सूत्र समझा, अब हम मध्य बिंदु समझेंगे। मध्य बिंदु बहुत आसान है, देखिए मध्य बिंदु इसी का निकालेंगे, 2.3 और 4.1 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर कहे कि भैया बिंदु दे दिया, दो बिंदु दे दिया जाए आपको, और कहे इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया, बहुत आसान है। देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, जैसे 2.3 और 4.1 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु बराबर का होता है पहले बताइए, तो हम आपको बताते हैं क्या होता है। देखो x1 प्लस में x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बाई 2, ये होता है मध्य
बिंदु का फॉर्मूला, ये होता है एक्स के लिए और ये होता है वाई के लिए, ठीक है। मध्य बिंदु के जगह पे हम एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू हमें निकलेगा मध्य बिंदु, ठीक है। तो एक्स वन कितना, पहला होता है एक्स वन, दूसरा होता है वाई वन, फिर इसमें होता है एक्स टू और ये होता है वाई टू, ठीक है। तो एक्स वन हमारे पास दो है और प्लस में एक्स टू हमारे पास चार है, बट्टा में दो हो जाएगा, कॉमा वाई वन हमारे पास तीन है, प्लस में वाई टू हमारे पास एक है, बट्टा में दो हो जाएगा, ठीक है। चार और दो छः और बट्टा में दो, कॉमा तीन और एक चार बट्टा में दो। देख लो भाई बहुत आसान है, दो तिहाई छः काटो, दो दूनी चार काटो, भैया तीन कॉमा दो आंसर आ गया, यानी एक्स कॉमा वाई बराबर जो आया तीन कॉमा दो। इट मीन्स कि एक्स का वैल्यू तीन और वाई का वैल्यू दो, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु आप समझ गए, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे मूल बिंदु, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देख लीजिए भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्रिय छात्रों अब समझेंगे तीसरा नंबर में मूल बिंदु। मूल बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल। अगर आपको कहा कि भैया तीन कॉमा चार का जो बिंदु, बिंदु तीन कॉमा चार का मूल बिंदु ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया। मूल बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए मूल बिंदु जो बराबर होता है ना, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, ये होता है पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। तो एक्स के जगह पे तीन का स्क्वायर करेंगे, दौड़ाइए घोड़ा को, और वाई के जगह पे चार का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर डाल दीजिए, एकदम तीन तिहाई नौ प्लस चार चौके सोलह, एकदम कोई नहीं रोकेगा, राजधानी एक्सप्रेस है, सोलह नौ पच्चीस हो जाएगा रूट अंडर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तब पाँच होगा, मतलब पच्चीस का वर्गमूल पाँच ना होगा रे। रूट कहता है कि दो गो में से वो, यानी पाँच गुने पाँच लिखेंगे पच्चीस को, दो गो पाँच में से तो एगो पाँच बाहर आइए ना जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो गया पाँच, ठीक है। तीन कॉमा चार का मूल बिंदु पाँच आया। अब हम समझेंगे संरेख के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, संरेख को समझिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो प्रिय छात्रों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं लिखा गया, निर्धारित कीजिए। निर्धारित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु एक कॉमा पाँच, दो कॉमा चार, तीन कॉमा तीन संरेखी है। तो संरेखी का भी मतलब समझ लेंगे, और ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए मतलब बताइए या फिर ज्ञात कीजिए कि जो तीन को बिंदु है, तीनों जो चौड़वा दिया गया है, ये संरेखी है। अच्छा संरेखी क्या होता है, असंरेखी क्या है, इसको समझिए। देखिए संरेखी उसे कहते हैं जिसका तीनों बिंदु भैया एक ही रेखा पर हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे ये बिंदु एकदम सीधी रेखा में तीनों बिंदु, जैसे एक कॉमा पाँच है तो एक कॉमा हम पाँच लिख देते हैं, चलो एक कॉमा पाँच, फिर दो कॉमा चार, दो कॉमा चार लिख दिया, फिर तीन कॉमा तीन, तो मैंने तीन कॉमा तीन लिख दिया। तो जिस त्रिभुज का तीनों बिंदु जो हो ना एक ही रेखा पर हो, उसे संरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। अब मान लेते हैं ई बिंदु बेचारा उठ करके ऊपर चला गया, आई यहाँ से दो कॉमा चार चला आया, यहाँ से ई बिंदु ई मिल जाएगा, है ना। तो ई हो जाएगा, देखिए ई बिंदु यहाँ से उठ के वहाँ भाग गया, तो ई संरेखी नहीं हुआ, ये हो गया असंरेखी। क्या हो गया, असंरेखी, क्योंकि संरेखी का जो भी होता है ना तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होता है। तो हमें यही बताना है कि भैया क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पे है या नहीं है, ठीक है। तो संरेखी पहचानने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप टेंशन लो ही मत भाई, समझ में आ जाएगा, एक एक करके समझ में आते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ और तीनों बिंदु को एक रेखा पर पहले सजा देता हूँ थोड़ा लिख करके ऊपर, कि यहाँ पे मैं रेखा बनाता हूँ, ओके। एक बिंदु, दो बिंदु और ये रहा तीन बिंदु, तीनों बिंदु का नाम एक कॉमा पाँच और ये है दो कॉमा चार और ये है तीन कॉमा तीन, और कहना है इनका कि संरेखी है या नहीं बता देना है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, चलो भाई ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। तो ये हो गया, मान लो इसको ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि दूरी सूत्र मैं सिखा दिया हूँ आपको क्या क्या निकालना है। एक बार ए बी, फिर निकालना है बी सी, देखिए ए बी की दूरी, फिर निकालना है बी से सी की दूरी, और फिर निकालना ए से लेकर के सी की दूरी आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं पहले ए बी की दूरी, क्या निकालते हैं ए बी की दूरी, निकालना क्या आपको मैं लिख देता हूँ, ए से लेकर के बी की दूरी निकालना है, फिर बी से लेकर के
सी की दूरी निकालना है, फिर ए से लेकर के सी की दूरी निकालना है पूरा का, ये तीनों निकालना है। ये तीनों निकाल लेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि भैया संरेखी है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं ए बी की दूरी। ठीक है, तो ए बी की दूरी जब निकालेंगे तो भैया ए कॉमा बी जो है, तो ए बिंदु कौन है, पहले ए बी का दूरी निकाल रहे हैं तो ए ए कौन है, ए बिंदु जो है 1.5 है। मैं लिख देता हूँ, ए बिंदु जो है 1.5 और बी बिंदु कितना है 2.4 है, यही ना है। इन दोनों का ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर यानी दूरी सूत्र बराबर, तो दूरी सूत्र निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, लिख लो यहाँ एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, यही निकालेंगे। तो याद रखना पहला वाला एक्स वन और दूसरा होता है वाई वन, इसमें भी ये होगा एक्स क्या हो जाएगा टू और ये हो जाएगा वाई टू। चलो पुट करो, एक्स टू, एक्स टू कितना है दो, तो दो लिखो और माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन यहाँ एक है तो एक लिखो, इसका होल स्क्वायर करो, प्लस है तो प्लस। वाई टू कितना है भाई, वाई टू चार है तो चार लिखो, माइनस है तो माइनस। वाई वन कितना है, वाई वन यहाँ पाँच है तो पाँच लिखो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। रूट है तो भैया रूट डालिए दो। ठीक है, तो हम यहाँ ए बी का निकाल रहे हैं। ओके, तो आप देखोगे दो में से एक गया तो कितना बचा, एक, एक का वर्ग कर दो, प्लस चार में से पाँच गया तो माइनस का एक, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, अब एक का स्क्वायर एक का प्लस माइनस एक का स्क्वायर एक ही ना होगा प्लस के, रूट अंडर। एक और एक जोड़िए तो कितना होगा भाई, तो ए बी का जो वैल्यू निकलेगा एक और एक दो, यानी रूट अंडर दो। भैया देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, मैंने निकाला ए बी का दूरी निकाल लिया, फिर निकालेंगे बी सी का दूरी और फिर निकालेंगे ए सी का दूरी। तो हम एकरा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते भैया। ए बी का दूरी मैंने जो निकाल लिया एक बार, ए बी का दूरी रूट अंडर दो। ठीक है, इसका मैंने निकाल लिया। अच्छा, निकाल तो लिया मैंने, अब क्या कीजिए, इसको स्क्रीन शॉट मारिए हम, क्योंकि मिटा देंगे इसको। ठीक है, तो ए भी निकल गया, अब निकालेंगे हम फिर बी से सी की दूरी। बी से सी निकल जाएगा तो फिर ए सी निकाल लेंगे। तो बी सी, बी से सी की दूरी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं भैया। ठीक है, लो भैया मिटा दिए, अब हम निकालेंगे बी से सी की दूरी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो बी बिंदु कितना है, तो बी बिंदु है 2.4 है, और सी बिंदु कितना है, तो सी बिंदु 3.3 है, तो मैंने लिख लिया। आ बी सी दूरी, तो बी सी बराबर यही सूत्र रहेगा, यानी दूरी सूत्र। तो देख लो भैया, पहला होता है आपको पता है ना एक्स वन, और दूसरा होता है एक्स टू, फिर होता है ये वाई वन, और ये होता है वाई टू। ठीक है, तो बताइए एक्स टू कितना है, तो एक्स टू कहेंगे 3 है, तो हम 3 लिखेंगे, माइनस एक्स वन कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, प्लस बताइए वाई टू कितना है भाई, तो वाई टू यहाँ पे देख लो ये है, इधर का वाई टू 3 है, और माइनस वाई वन कितना है, तो वाई वन 4 है, तो 4 लिखिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, रूट अंडर कर दीजिए भैया। ठीक है, बी सी बराबर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, सिंपल। प्लस 3 में से 4 जाएगा तो माइनस 1, अब माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक। ठीक है ना, अब रूट अंडर, एक और एक कितना हो गया 2, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे बी सी बराबर एक एक 2 और रूट अंडर। ठीक है, समझ गए कि नहीं, हो गया। तो बी सी का भी वैल्यू निकला कितना, रूट अंडर 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, बी सी का वैल्यू निकला रूट अंडर 2। ठीक है, मैंने लिख दिया। ओके, अब हम निकालते हैं बी सी का दूरी तो निकल गया, अब निकालते हैं ए से लेकर के सी का दूरी। ठीक है, ए से लेकर के सी का दूरी, तो चलो भाई निकालते हैं ए से लेकर के सी के दूरी, तो हम इसको फिलहाल मिटाते हैं। ओके, चलो मिटा दिए, अब हम निकालेंगे किसका, ए से सी का दूरी। ए सी का फॉर्मूला यही हो जाएगा दूरी सूत्र। अब ए बिंदु क्या है हमारे पास, देख लो ए बिंदु जो है हमारे पास 1.5 है, और सी बिंदु वही है, ए सी की दूरी 3.3। अब यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, एक्स टू हमारे पास कितना है भैया, तो आप कहोगे यहाँ पे एक्स टू 3 है, 3 और माइनस एक्स वन कितना है, 1 है, तो 1 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई टू कितना है, तो वाई टू हमारे पास देख लो भैया 3 है। ठीक है, 3 और माइनस के वाई वन कितना है, तो 5 है, तो हम लिखेंगे 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर डाल दीजिए। ठीक है, ए सी बराबर है, ए सी बराबर, ए सी खोल देते हैं,
ठीक है, ताकि गर्म लगेगा। तीन में से गया तो दो, दो का स्क्वायर करेंगे चार, प्लस तीन में से पाँच गया तो माइनस का दो का स्क्वायर करेंगे प्लस का चार, चार चार कितना हो गया भैया, ए सी बराबर आठ रूट अंडर, आठ का वर्गमूल निकालेंगे तो दो रूट अंडर दो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए सी जो आ गया भैया, देख लो ए सी निकल के आया कितना, रूट अंडर आठ आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो भाई अब देखो, मैं आपसे अगर पूछूंगा संरेखी है या नहीं, वो मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा इसमें देखिए, रूट दो बड़ा है या फिर ई रूट दो बड़ा है या फिर रूट आठ बड़ा है, आप ही बताओ भाई इन तीनों में से कौन बड़ा है। तो आप कहोगे भैया ए सी जो भुजा है रूट आठ वही बड़ा है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम ए सी और बराबर, ए सी पहले लिखेंगे फिर बराबर का चिन्ह डालेंगे और शेष जो दोनों भुजा है इन दोनों को योग कर देंगे, यानी प्लस के ए बी और प्लस के बी सी ये कर देंगे। और जब इन दोनों को जब जोड़िएगा और दोनों बराबर आ जाएगा ना तो संरेखी है, और जब ही ये बराबर नहीं आता डायरेक्ट बोलो भाई संरेखी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, ऐसे बोलने का। तो हमारे पास तीनों भुजा ऐसे ही निकालना है, कोई भी दिया होगा, चाहे पी क्यू आर दिया हो, चाहे एक्स वाई जेड दिया होगा, तो बिल्कुल आपको तीन भुजा निकालना है। कैसे, ए बी निकाल लेना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। मान लो कि इसका हम नाम दिए रहते पी क्यू आर, तब पी क्यू निकालते, फिर निकालते क्यू आर, फिर निकालते पी आर, ऐसे निकालते। तो तीन तरह के निकाल लेना है, और जिसका मान ज़्यादा होगा, जिसका मान निकालने के बाद जिसका मान ज़्यादा होगा उसको पहले लिख लेंगे, फिर बराबर के निशान, और जो दोनों छोटा होगा इससे उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोनों अगर बराबर आ जाता है तो संरेखी है, अब बराबर नहीं आता संरेखी नहीं है। तो चलिए, ए सी का वैल्यू कितना है, रूट अंडर आठ है, रूट अंडर आठ यानी दो रूट अंडर दो हुआ। ठीक है, दो रूट अंडर दो हुआ, चलो ये हुआ बराबर में। ए बी की वैल्यू रूट दो है और प्लस में बी सी की वैल्यू कितना है, रूट दो ये है। ठीक है, अब बेचारा दोनों को जब जोड़ेंगे तो दो रूट अंडर दो आ बराबर ई, देखिए दो रूट अंडर तो दो है ना, एगो रूट दो एगो रूट दो, तो टोटल जोड़ेंगे तो दो गो रूट दो होगा कि नहीं। अब देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब जो दिए गए बिंदु है ये सारे के सारे बिंदु क्या हुए, संरेखी है। इसका आंसर हाँ हो गया, निकल गया ना। अब बारीकी से समझ लो, जब ऐसे दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक रेखा पर तीनों बिंदु को बैठा लेंगे और मान लेंगे तीनों बिंदु को ए बी सी मान लिया मैंने। ठीक है, फिर निकालेंगे ए बी की दूरी, फिर निकालेंगे बी सी की दूरी, फिर निकालेंगे ए सी की दूरी, तीनों दूरी निकाल करके रख लेंगे और उसमें से देखेंगे क्या, जो सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा आंसर है यानी ज़्यादा मान है उसको बराबर से पहले लिख लेंगे और बाकी जो दोनों छोटा बचेगा उसको जोड़ के रूप में लिख देंगे। और दोनों को जोड़ करके देखेंगे क्या ये इसके बराबर होता है, जब बराबर हो जाएगा तो समझ जाना संरेखी है, नहीं तो नहीं है। तो संरेखी आप समझ गए होंगे, इंसर्ट लीजिए। अब हम मैं आपको बताऊंगा समदूरस्थ के बारे में। ठीक है, तो प्रिय छात्रों अब देखो यहां पर आ गए मेरे पास समदूरस्थ वाले क्वेश्चन। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन ये टाइप के भी आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो बारीकी से देखना। लिखा गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, क्या है, समान दूरी पर। देखिए भैया एक्स अक्ष पर क्या कह रहा है, इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं एक्स अक्ष पर। तो मान लो कि यहाँ एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो सिंपल सी बात है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अच्छा एक्स अक्ष हो गया तो वाई वाला कहाँ गया, हवा में गया, नहीं, जब भी कभी भी क्वेश्चन में अगर एक्स अक्ष कहे वाई अक्ष कहे तो ट्रिक है, एक्स अक्ष कहे तो समझ जाना वाई वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई अक्ष कहे तो एक्स वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु से ज्ञात कीजिए जो ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, क्या इस तरीके से बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो पहला जो है हमारे पास देख लो दो कॉमा माइनस के पाँच और दूसरा बिंदु है माइनस के दो कॉमा नौ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी समान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, मान लो कि इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी, तो समान दूरी, इसका मतलब ए बी
बराबर ए सी होगा समान, समदूरस्थ का मतलब समान, तो ए बी बराबर में ए सी, बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बराबर में ए सी, ठीक है। अब इसका कर देंगे, ट्रिक है, ए बी का स्क्वायर कर दीजिए और क्या करेंगे इसका, तो फिर ए सी का भी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। अब हम क्या याद करेंगे, ए बी की दूरी और ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है, समदूरस्थ निकालने का यही तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु क्या है, तो एक्स अक्ष लिखना और वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई कहता तो वाई यहाँ रहता और एक्स वाला जीरो हो जाता, बाकी दोनों बिंदु के इस तरह सजा दो, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना पहले ये जो ए है, क्या ये ए है, तो ए बी की दूरी, फिर निकालेंगे ए सी की दूरी, बराबर रख दिया मैंने ए बी की दूरी, तो ए बिंदु कौन है, एक्स कॉमा जीरो और दो कॉमा माइनस पाँच है, इन दोनों की दूरी निकालेंगे किससे, तो दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र तो आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूरी सूत्र दोनों तरफ, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट अंडर बराबर में इधर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ वही सेम सूत्र x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई ए बी का स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए बी की निकाल ले रहे हैं और ये निकाल रहे हैं ए सी के लिए, तो ये क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और ए सी पर भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, कर दिया मैंने। अब ज़रा गौर से देखो भाई, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचा। अब बराबर में इधर बचा x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सिर्फ बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। चलो ये ए बी के लिए इस साइड, तो ए बी बिंदु देखो ये है एक्स कॉमा जीरो और दो कॉमा पाँच है, दो कॉमा माइनस पाँच है, तो पहला होगा एक्स वन दूसरा वाई वन, ये होगा एक्स टू और ये वाई टू। तो हम देखते हैं एक्स टू कितना है, नीचे वाला दो, तो हम दो लिखेंगे, आप लिख लेना। देखो ए बी निकालेंगे तो दो बिंदु आएगा, तो पहला एक्स वन और दूसरा वाई वन, फिर इसमें भी होगा एक्स टू और ये होगा वाई टू, ये तो समझ गया इससे पहले बनाया हो, ठीक है। तो एक्स टू हमारे पास दो है, माइनस एक्स वन कितना है, तो एक्स से है तो एक्स लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई टू कितना है भाई, तो वाई टू देख लो, वाई टू हमारे पास यहाँ पे नीचे माइनस पाँच है, तो हम लिखेंगे माइनस के पाँच, ये माइनस तो माइनस, और वाई वन कितना है, तो वाई वन देखिए हमारे पास जीरो है तो जीरो लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बराबर में अब इस साइड आ जाओ, इस साइड जब आएंगे भैया तो हमारे पास इस साइड किसका दूरी, तो ए सी का दूरी, तो ए सी किधर, सी यहाँ है ए यहाँ, तो ए सी ये ना हुआ, तो ई बिंदु और ई बिंदु से निकालेंगे, तो इसमें एक्स वन आई होगा वाई वन, ये होगा एक्स टू आई होगा वाई टू, एक्स टू माइनस का दो है तो माइनस का दो लिखो, माइनस तो माइनस, एक्स वन कितना है, एक्स से है तो एक्स लिखो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस वाई टू कितना है, तो वाई टू नौ है तो नौ लिखो, और माइनस वाई वन कितना है, जीरो, तो जीरो लिखो, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, मैंने कर दिया। अब यहाँ से देखो दो माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई बताओ, ए स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर डायरेक्टली हम लिख देते हैं चार, अब प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला में, ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, तो ए के जगह पे दो और गुने में बी के जगह पे एक्स, तो दो दूनी चार यानी फोर एक्स हो जाएगा। देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस पाँच या माइनस जीरो जोड़ेंगे तो माइनस पाँच होगा, माइनस पाँच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस हो जाएगा प्लस का, बराबर है तो बराबर, माइनस दो और माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि माइनस दो का स्क्वायर तो प्लस के चार हो जाएंगे, अब माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस टू ए बी होता है,
तो भैया अगर माइनस टू ए बी होता है तो माइनस टू अगुने में ए के जगह पे माइनस का दो लिखेंगे, अगुने बी के जगह पे एक्स लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लस में नौ माइनस जीरो तो नौ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इक्यासी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से काटो, चार से ही चार कैंसिल, देखो बराबर में रहेगा समान चिन्ह तो कट जाता है, एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर कट गया, कट गया कि नहीं। अब हमारे पास बचा माइनस के चार एक्स प्लस के पच्चीस और बराबर में बचा दू दूना, यहाँ पे देखोगे तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का फोर एक्स हो जाएगा, दो दूनी चार हो गया, माइनस माइनस गुना किए तो प्लस का फोर एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि माइनस चार एक्स है तो माइनस के चार एक्स लिखेंगे और ये प्लस का है, पक्षांतर से इधर लाएंगे तो माइनस का चार एक्स हो जाएगा, बराबर में इक्यासी है तो इक्यासी लिखिए, अब प्लस का पच्चीस है ना इधर आएगा तो माइनस का पच्चीस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के चार एक्स माइनस के चार एक्स तो माइनस के आठ एक्स हो जाएगा और बराबर में इक्यासी में से पच्चीस घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा छप्पन बचेगा। ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा छप्पन बट्टे में माइनस के आठ हो जाएगा। ठीक है, आठ सते छप्पन कट गया तो हमारे पास आ गया माइनस वाला, तो यानी माइनस का सात, एक्स की वैल्यू जो आई माइनस के सात आई। तो हमने देखा एक्स अक्ष पे तो एक्स का मान आ गया माइनस सात, यानी माइनस सात कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, मैं लिख करके बताता हूँ आपको, लिख देना ये कि एक्स अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु कितना आ गया माइनस का सात कॉमा जीरो, ये जीरो पहले वाला, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, जैसा ये जो क्वेश्चन है विभाजन सूत्र से बनेगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस एक कॉमा सात और चार कॉमा माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात तीन के अनुपात में विभाजित करता है। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ये बिंदु, पहला बिंदु क्या है माइनस का एक है, ओके, और सात है, और फिर क्या है चार कॉमा माइनस के तीन है, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड कितने में अनुपात करते हैं, यानी विभाजित करते हैं, तो दो अनुपात तीन में विभाजित करते हैं। ठीक है, मान लो इसको ए और इसको मान लो बी और इसको मान लेते हैं पी बिंदु। ठीक है, तो ये जो रेखा है पी, पी बिंदु जो है, इन दोनों को दो अनुपात तीन के रूप में विभाजित करते हैं, यानी बांटते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो हमें ज्ञात करना होगा कैसे, विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे विभाजन, विभाजन फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, एम वन एक्स टू और प्लस में होता है एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, ओके, कॉमा, इसी तरह सेम इसमें अब हम वाई में जाएंगे, लिखेंगे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और बटे में लिखेंगे हम एम वन कॉमा एम टू, सॉरी एम वन प्लस एम टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स के लिए ये और वाई के लिए, अब विभाजन सूत्र के जगह पे एक्स कॉमा वाई हम लिख लेंगे और यहाँ पे हम मान पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ये होता है एम वन और ये होता है एम टू। ठीक है, ये होता है एक्स वन और ये होता है वाई वन और ये होता है एक्स टू और ये होता है वाई टू। ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो चलिए हम पुट करते, एम वन हमारे पास कितना है दो है, यहाँ पे देखो M1 X2, तो M1 हमारे पास दो है और गुने में X2, X2 हमारे पास कितना है चार है, तो चार लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस, और M2, M2 हमारे पास तीन है और गुने में X1, X1 हमारे पास क्या है माइनस के वन, तो हम लिखेंगे माइनस के वन, बटे में M1, M2, तो M1 हमारे पास कितना है दो है और प्लस में M2 तीन है, मैंने लिख दिया कॉमा, M1 हमारे पास कितना है तो दो है और गुने में y2 कितना है, y2 हमारे पास सात है तो हम सात लिखेंगे और प्लस, सॉरी y2 हमारे पास माइनस का तीन है तो हम लिखेंगे माइनस का तीन, ओके, और प्लस में m2 कितना है तो तीन है और गुने में y1 कितना है सात है तो सात लिखिए और बट्टे में दो प्लस में पाँच, दो प्लस में तीन, यही ना m1 m2, तो x कॉमा y बराबर ये जो हमारे पास आएंगे चार दूनी आठ, आठ और
प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस तीन एकम तीन और बट्टे में तीन दू पाँच कॉमा, ये हो जाएगा तीन दूना छः यानी माइनस के छः और प्लस में सात तियाई इक्कीस और बट्टे में तीन दू पाँच, ठीक है इस तरीके से लिख देंगे। और हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स कॉमा वाई ओके, और आठ में से तीन गया तो कितना बचेगा पाँच और बट्टे में पाँच कॉमा, ये जो हमारे पास है इक्कीस में से छः घटाएंगे तो कितना होगा तो पंद्रह छः इक्कीस होता है यानी पंद्रह बचेगा, ठीक है पंद्रह बटे पाँच, इसको काटो पाँच तिहाई पंद्रह कट गया पाँच एकम पाँच कट गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है और इसका आ गया एक कॉमा तीन, तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है एक्स के जगह पे वन वाई के जगह पे तीन आया, ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक कॉमा तीन, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है विभाजन सूत्र से हम इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। आइए अगला टाइप हम क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रिय छात्रों इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जिसके शीर्ष दिए जाते हैं, लिखा रहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं या फिर ये दिए गए हैं, ठीक है ऐसा दिया जाएगा, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, ये जो इसमें तीन बिंदु दिए रहेंगे उसको हम पहला को मानेंगे एक्स वन और दूसरा को वाई वन, ठीक है इसको मानेंगे एक्स टू और इसको मानेंगे वाई टू, ठीक है इसको मानेंगे एक्स थ्री और इसको मानेंगे वाई थ्री, इस तरीके से हम लिख दिए। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बट्टा दो और बड़ी कोष्ठ लिखे, फिर हम लिखेंगे एक्स वन, फिर हमारे पास होगा क्या एक्स वन है तो ये हो जाएगा वाई टू और फिर हो जाएगा वाई थ्री, इस तरीके से लगातार हम चलते हैं। और जब अगर हम प्लस में एक्स टू लिखेंगे तो वाई हो जाएगा थ्री, क्योंकि लगातार लिखा जाए दो के बाद तीन, जैसे एक दो तीन है, अब दो है तो दो के बाद क्या होता है तीन, फिर माइनस के अंदर वाई रहता है, ठीक है तो वाई क्या लिखेंगे क्योंकि लास्ट संख्या तीन ही है तो तीन के बाद फिर रिवर्स आएंगे, तीन के बाद यानी चार होता है, चार पे नहीं जाएंगे डायरेक्ट शुरू से हो जाएंगे तो एक आएगा, ठीक है वाई थ्री माइनस के वाई वन, वैसे मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में चिंता मत कीजिए। और प्लस में ये एक्स टू है तो हो जाएगा एक्स थ्री, अब लाइन से तो अब यहाँ एक्स थ्री है तो ये हो जाएगा वाई वन और वाई वन के बाद होता है वाई टू, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और ट्रिक मैं बता दूँ आपको क्या है करना, एक बटा टू लिख लेना कोष्ठ और एक्स वन डालना है, ठीक है एक्स वन डाल के एक घर बना लेना है, फिर एक्स टू डाल के एक घर बना लेना है, फिर एक्स थ्री डाल के एक घर बना लेना है, घर के अंदर क्या करना मतलब ब्रेकेट घेर लेना है, उसके अंदर वाई वाई लिख देना है, इसमें भी वाई वाई, फिर इसमें भी वाई वाई लिख देना है, ठीक है आपको फिर लिखना है क्या एक सौ तेईस, एक दो तीन है ना, एक सौ तेईस दो सौ इकतीस और तीन सौ बारह है, ठीक है ये आपको ट्रिक देखना है, ठीक है तो हम मान पुट करते हैं। अब एक बटा दो तो एक बटा दो लिखेंगे बड़ी कोष्ठ, एक्स वन कितना है दो है तो दो लिखिए, और वाई टू कितना है वाई टू जीरो है तो जीरो लिखिए, माइनस के वाई थ्री कितना है वाई थ्री माइनस के चार तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा चार, ठीक है ये माइनस का अब पहले से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर एक्स टू, एक्स टू कितना है भाई एक्स टू है माइनस का वन तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस तो माइनस का वन लिखते हैं इन टू, वाई थ्री कितना वाई थ्री माइनस का चार है तो माइनस का चार लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, और y1 कितना है तीन है तो तीन लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, x3 कितना है x3 दो है तो दो लिखिए, उसके बाद y1 कितना है y1 तीन है तो तीन लिखिए, और माइनस तो माइनस, y2 कितना है y2 जीरो है तो जीरो लिखिए, ठीक है और ये ब्रैकेट बंद ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देख लीजिए एक बट्टा दो ओके, और ब्रैकेट चार और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई चार होगा चार दूनी आठ हो जाएगा, ठीक है माइनस चार माइनस तीन माइनस सात, माइनस सात से माइनस एक में गुना करेंगे तो प्लस का सात हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का सात। अब इसमें चलो तीन में से जीरो आ जाएगा तो क्या तीन बचेगा, तीन से दो में तीन दूनी छः हो जाएगा यानी प्लस के छः हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास बचेगा एक बट्टा दो और इस सबको ये कोष्ठ का मतलब गुना होता है, गुना लिख दीजिए आठ सात पंद्रह पंद्रह छः इक्कीस हो जाएगा, ठीक है इक्कीस में एक से गुना करेंगे तो इक्कीस और बटा में दो है तो दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इक्कीस बट्टा दो हमारे पास आंसर। इस टाइप के भी दिए रहेंगे आपको एग्जाम में कि तीन शीर्ष दिए रहेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। जस्ट अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। तो प्रिय छात्रों इसमें जो है ना एक टाइप के और क्वेश्चन आता है कि मान लो कि जैसे माइनस चार है ना वाई थ्री का वैल्यू है ना, यहाँ पे हो सकता है चार ना देकर कि यहाँ डायरेक्ट दे देगा के, क्या दे देगा के, कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं। जब अगर तीनों बिंदु दिया रहेगा और इस बीच में वो के दिया रहेगा यानी के का मान ज्ञात करना हो और कहे कि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो याद रखना किसी भी त्रिभुज का जब संरेख कहे ना तो संरेख त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जीरो होता है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे लिखेंगे इसी पर बनेगा और बराबर में हम क्या रख देंगे, सिर्फ जीरो रख देंगे, ठीक है। उसी तरह बन जाएगा आपका के का वैल्यू निकल जाएगा, वाई थ्री के जगह पे सिर्फ के लिखिएगा और संरेख है क्योंकि तीनों बिंदु के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख को ऐसे दिया जाए, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में हम क्या लिख देंगे, सिर्फ जीरो, बस के वाई के थ्री पर रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।